प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश सौथी लांबा गंगा एक्सप्रेस वे नो करशे शिलान्यास। एक्सप्रेस वे थी औद्योगिक क्षेत्र सहित समग्र विकास ने मळशे वेग। 594 किलोमीटर लांबो और 6 लेन नो एक्सप्रेस वे रूपया 36,200 करोड़ थी वधुना खर्चे थशे तैयार। તાજિકિસ્તાનના વિદેશમંત્રી સિરોજિદ્દીન મુહરિદ્દીન ભારત પ્રવાસે, વિદેશમંત્રી એસ જયશંકર સાથે કરશે દ્વિપક્ષીય ચર્ચા, બંને નેતાઓ વચ્ચે ક્ષેત્રીય અને વૈશ્વિક મુદ્દે થશે ચર્ચા। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજથી 2 દિવસીય મહારાષ્ટ્રના પ્રવાસે। गृहमंत्री अहमदनगर में सहकार परिषद सम्मेलन में भाग लीधा बाद अनेक कार्यक्रम में रहेशे उपस्थित। देश में छेल्ला 24 कलाक में नोंधाया कोरोना ना नवा 7,145 केस। 8,706 दर्दीओ थया साजा। 289 दर्दीना थया मृत्यु। देश में हाल 84,565 सक्रिय केस। बीजी तरफ देश में अत्यार सुधी 136,66,00,000 थी वधु अपाया रसीना डोज। गुजरात में शुक्रवार कोरोना ना नवा 60 केस नोंधाया। 58 दर्दी थया साजा। शुक्रवार 2,40,000 थी वधु लोगों ने अपाई रसी। राजकोट में 12, वडोदरा में 14, अमदावाद में 8 नवा केस। एक पण दर्दीनुं मृत्यु नहीं। दसमी वाइब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 अंतर्गत आ प्री इवेंट समिट नु आयोजन। होलिस्टिक हेल्थ केर फोकस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसिस अंगे वाइब्रंट 2022 अंतर्गत योजाई समिट। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य आरोग्य ऋषिकेश पटेल रहा उपस्थित। दिल्ली सहित उत्तर भारत में वध्यु ठंडीनु जोर। राजस्थान चूरू में पारो 0 डिग्री थी नीचे। बीजी तरफ राज्य में पण आगामी 3 दिवस सुधी रहेशे ठंडीनो चमकारो। सौराष्ट्र ने कच्छ में वधशे ठंडीनो पारो। राज्य में 2.5 डिग्री साथे नलिया बन्यु सौथी ठंडु गार। राज्य में आवतीकाले योजाशे 8,684 ग्राम पंचायतोनी चूंटणी। 27,200 उम्मीदवारो मैदान में। बीजी तरफ चूंटणी पंच द्वारा अपाई रह्यो छे आखरी ओप। 21 डिसेम्बरे हाथ धराशे मतगणतरी।